हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स, में आपका स्वागत है। और आज के स्टूडियो में देखेंगे फैमिली आईडी में, यानी कि एक परिवार एक पहचान में, जो कि पोर्टल पे किस तरह से आपको अपडेशन करना है, यानी अगर आपको कोई नेम जोड़ना है तो क्या हम जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए जो सबसे ज़्यादा समस्या ये आ रही है कि अगर घर में आपका राशन कार्ड बना हुआ है और 5 लोग उसमें ऐड हैं और एक सदस्य राशन कार्ड में नहीं है, तो वो क्या करेगा इस पोर्टल पर आके फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन पर किस तरह से, मतलब क्या अपना नया अलग से परिवार बनाएगा या क्या ऐड करेगा, किस तरह से समझेंगे सारी चीज़ों को, क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, सारी चीज देखेंगे। सबसे पहले इस पोर्टल पे आने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहां पे गूगल क्रोम पे जाना है, वहां पे टाइप करना है familyid.up.gov.in, या लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डायरेक्ट आप क्लिक करके यहां पे आ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पे खुल जाता है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं फैमिली आईडी के बारे में, फिर उसके बाद हम नया रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करते हैं और प्रोसेस भी बताते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे लिखा उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य में सभी परिवारों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए या जो भी योजनाएं हैं उनको प्रदान करने के लिए एक यूनिक उनकी फैमिली आईडी बनाई जाएगी, जो कि डेटाबेस उसका आधार के माध्यम से सत्यापन करेगा, कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा है प्रत्येक, मतलब वर्तमान में राज्य में लगभग 3.6 करोड़ परिवार और 15 करोड़ आधार प्रमाणित राशन कार्ड धारक उपलब्ध हैं। उनका राशन कार्ड नंबर उनके परिवार आईडी होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर होगी कि अगर आपका राशन कार्ड बना है, आप ऐड हैं, तो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि फैमिली आईडी ही आपकी राशन कार्ड मानी जाएगी, यानी कि राशन कार्ड का जो नंबर है वही आपका फैमिली आईडी। यहां से एकदम ये साफ चीज एकदम क्लियर हो जाती है। अब उसके बाद हम चलते हैं यहां पे जो कि रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ग्रीन कलर का यहां पे बॉक्स है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पहले आपको ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है निर्देश, उसके बाद ही आप यहां पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पहला इंस्ट्रक्शन है कि परिवार रजिस्ट्रेशन है, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, परिवार रजिस्ट्रेशन है, सभी सदस्यों का मोबाइल ओटीपी आधार माध्यम से लिंक होना चाहिए, तभी केवाईसी के माध्यम से होगा। तीसरा, जो मेन इंपॉर्टेंट है, ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है उनकी राशन कार्ड की संख्या ही फैमिली आईडी होगी तथा उनको फैमिली आईडी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरांत आधार संख्या डालकर अपनी फैमिली आईडी आप प्रिंट कर लेंगे फॉर्मेट में। चौथा पॉइंट है, ऐसे व्यक्ति जो पहले से किसी परिवार में जुड़े हैं उनको आप नहीं जोड़ सकते। पांचवा पॉइंट, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समस्त आवश्यक जानकारी सही से भरना है और उसका फैमिली आईडी का अद्यतन एक ट्रैक नंबर आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि मेन पॉइंट हम इस पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका घर में राशन कार्ड बना हुआ है, अब उसमें से 4-5 लोग सदस्य ऐड हैं, माता पिता ऐड हैं और उसमें से एक लड़के का नाम उस पे नहीं ऐड है, अगर कॉलेज में मांगा जा रहा है कि फैमिली आईडी लाइए, तब वो क्या करेगा इस केस में। अगर आपका नया, अगर कोई भी नहीं है घर में, तो आप इस फैमिली आईडी में नए तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे नेम डालते हैं और मोबाइल नंबर डालते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने रजिस्ट्रेशन अभी कर लिया है तो मेरे बोल रहा है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपके उसमें क्या ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी डालेंगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आप लॉगिन करेंगे। तो नीचे है एक ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाली लिंक पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से है, तो सिंपली हम इसी पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, देखिए मुझे साइनिंग के लिए बोल दिया है, नहीं मुझे लॉगिन करना है। सिंपली आपको मोबाइल नंबर, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहां पे सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पे आधार से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उसको हम डाल देते हैं और सेंड ओटीपी पर। चलिए हम सिंपली उसको क्या करते हैं कि जो ओटीपी आया है उसको यहां पे मैन्युअली आपको फिल कर देना है। तो मेरे फोन में ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ पे उसको डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद नीचे आपको सिंपली कैप्चा फिल कर देना है, तो चलिए हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर देते हैं, आफ्टर देन लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ तरह फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान का डैशबोर्ड खुलेगा। अब यहाँ पे वेलकम करके आएगा और उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ने है तो आधार नंबर दर्ज करें। सबसे पहले मैं एक रिलेशन समझाता हूँ, जैसे कि एक मतलब परिवार है जिसमें से 6 लोग हैं, उसमें से क्या है कि माता पिता और उनके माता पिता और भाई बहनों का नाम जुड़ा है लेकिन एक लोग का राशन कार्ड में नाम नहीं है, अगर अब वो कैसे क्या करेगा। तो चलिए पहले मैं जैसे कि डालता हूँ, जैसे कि एक ऐसा यहाँ पे नंबर डालता हूँ, जैसे कि वो उनका माता जी का डालता हूँ, मैं एक रिलेशन समझा रहा हूँ क्योंकि उनका सबका जुड़ा हुआ है, तो पहले मैं उनका डालूंगा फिर उसके बाद उसका डालूंगा जिसका नेम उस पे नहीं जुड़ा है, तो वो क्या करेगा बनवाने के लिए। तो सबसे पहले हम डालते हैं ऐसे व्यक्ति का जिनका राशन कार्ड बना हुआ है उनका, मतलब अगर वो प्रिंट करना चाहता तो वो क्या करेगा। तो यहां पे सिंपली आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है, उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यहां से आपको पता चल जाएगा अगर आपका राशन कार्ड बना होगा तो आपके जितने भी यूनिट होंगे सब यहां पे दिख जाएंगे। और उसके बाद नीचे एक है फैमिली आईडी देखने प्रिंट एवं संशोधन हेतु क्लिक करें। तो हमने सोचा कि संशोधन का ऑप्शन है तो उस बच्चे को भी इस पर जोड़ देंगे, तो सिंपली हमने इस पर क्लिक किया कि मतलब प्रिंट और संशोधन का भी ऑप्शन आ रहा है तो हम इस पर क्लिक किया, क्योंकि हमें यह था कि अगर संशोधन हो जाएगा तो हम उस बच्चे का आधार कार्ड नंबर इन्हीं के परिवार में डाल देंगे। लेकिन अब आगे देखते हैं कि होता क्या है।
जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ओटीपी गया, यानी कि आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया। तो हम सिंपली हम क्या करते हैं, जो ओटीपी गया है उसको यहाँ पे डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद आपको नीचे ओटीपी वेरीफाई पर क्लिक करना है। कभी कभी ओटीपी सर्वर की से नहीं जाता है, लेकिन आप जब दो तीन बार ट्राई करेंगे थोड़े टाइम बाय तो ओटीपी चला जाएगा, इरर लिख के आएगा, लेकिन वो ओटीपी वेरीफाई होने के लिए हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे आ रहा है एक मैसेज, लेकिन नीचे देखिए वेरीफाई हो चुका है, आपकी फैमिली आईडी इतनी है, यानी कि जो आपका राशन कार्ड नंबर था वही यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फैमिली आईडी प्रिंट करने है तो क्लिक करें, मतलब हमने उनकी माता जी का नाम डाला था तो देखिए पूरा यहाँ पे खुल के आ गया। अब हम इसी फैमिली आईडी पर प्रिंट है तो क्लिक करते हैं, पहले चीजों को समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम नया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी यहाँ पे बताएंगे। अब जैसे हमने देखो यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए सबके नेम तो खुल के आ रहे हैं सभी लोगों के, लेकिन जो बच्चा उनके परिवार में नहीं जुड़ा था उसका नाम नहीं आ रहा, जबकि उनका आधार कार्ड है, उसका राशन कार्ड में नाम नहीं था, उनकी फैमिली आईडी नहीं आ रही। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, केवल प्रिंट करने का है, यानी कि संशोधन करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यानी उस बच्चे को हम यहाँ पे जोड़ नहीं पा रहे हैं उसी की फैमिली आईडी पे। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि नेम एम तो अभी फैमिली आईडी में फिलहाल नहीं जुड़ रहे हैं, और इसका मैं अभी लिखित भी बताऊंगा कि क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, अभी लास्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उसकी भी पीडीएफ है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक एनएस क्यूअप जो फैमिली आईडी वाली प्रोसेस है उसको भी दिखाएंगे। तो उससे पहले फिर आपको जैसे कि मैं बता देता हूँ कि क्या करना है, कि मान लीजिए अगर आपका किसी व्यक्ति का, जैसे कि मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, अब मैं उस बच्चे का डाल के दिखाऊंगा कि जैसे किस कैसे करना। तो चलिए पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ मोबाइल नंबर से, उसी के रजिस्टर मोबाइल नंबर से लॉगिन करता हूँ, क्योंकि उसी का आधार कार्ड से रजिस्टर करने के बाद, लॉगिन करने के बाद आप सिंपली फिर से कैप्चा वैप्चा वगैरह सारा चीज़ फिल करेंगे, और फिल करने के बाद जो ओटीपी जाएगा उस ओटीपी को यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, मैंने उनके माता पिता और सबका देख लिया, अब उस बच्चे का देखते हैं, जैसे कि वो भी उसका परिवार है लेकिन उसका नहीं है, तो अब उसका देखते हैं उसका क्या प्रोसीजर है। लॉगिन करते हैं, अब यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए क्लिक करते हैं, तो अब हम उसका आधार कार्ड नंबर डालते हैं जो उसमें ऐड नहीं है। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा। तो चलिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं उसका, उस बच्चे का, यानी कि जिसका परिवार में तो है और आधार कार्ड भी है लेकिन राशन कार्ड में नहीं था और फैमिली आईडी में भी नाम जुड़ नहीं रहा संशोधन के माध्यम से, तो हम उसी का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालते हैं और आगे बढ़ने पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन, तो आगे बढ़े क्योंकि फैमिली आईडी में कोई आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो हम सिंपली इस पे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन खुल गया, फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान, इसमें से आप क्या खुल के आ रहा है, जैसे कि देखिए उस बच्चे का आधार कार्ड यहाँ पे नंबर दिखेगा और टिक करके ओटीपी के माध्यम जाके बढ़े। अब यहाँ पे केस ये फंस गया कि अगर हम इस बच्चे का बनाते हैं तो इसकी एक फैमिली आईडी दूसरी ही जनरेट हो जाएगी। इसमें चार स्टेप हैं, आवेदक के सदस्य भी जोड़े, परिवार का पता भरे, सब कुछ करना है। अगर हम इसको बढ़ते हैं तो उस बच्चे का एक अलग से परिवार मतलब फैमिली आईडी जनरेट हो जाएगा और माता पिता का एक पहले से था तो ये एक मतलब दूसरा हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि उस बच्चे को राशन कार्ड में नाम जुड़वा लेना चाहिए तो वो ऑटोमेटिक ये फैमिली आईडी में अपडेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे नहीं करना है, आपको राशन कार्ड में जुड़वा लेना है तो वो इसमें अपडेट हो जाएगा। अगर हाँ आप मान लीजिए वो बच्चा अगर शादीशुदा होता और उसकी जो पत्नी है वो भी शादीशुदा होती, अब उनका भी दोनों का राशन कार्ड में नाम नहीं था तो वो अपना परिवार जब नया बनाना चाहे तो नया प्रोसीजर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब ओटीपी के माध्यम से। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, यानी कि अभी कहीं भी राशन कार्ड नहीं बना है और आधार कार्ड परिवर्तन में, तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है रजिस्ट्रेशन, मतलब क्योंकि वो जुड़ेगा नहीं तो फिर एक नया ही आपका फैमिली आईडी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि अभी शादी भी नहीं हुई और परिवार में भी रहना है तो आपका अभी से जनरेट हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो आपको राशन कार्ड में जुड़वाना है। उससे जुड़े हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि फैक्ट वाले, क्या मैं अपनी फैमिली आईडी से किसी सदस्य को हटा सकता हूँ, तो वर्तमान प्रक्रिया में फैमिली आईडी बनाने के बाद आप किसी सदस्य को हटा नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है, मैं अपनी फैमिली आईडी में किसी सदस्य को कैसे जोड़ सकता हूँ, वर्तमान प्रक्रिया में फैमिली आईडी बनने के बाद आप किसी को जोड़ नहीं सकते, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ प्रोसीजर में है, अगर आपको कोई नया है जोड़ा है या मतलब पति पत्नी है, अगर राशन कार्ड नहीं बना दोनों का, तो आप नया यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर है। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, मैं एक से अधिक परिवार को विलय कर सकता हूँ, यानी एक परिवार में क्या मैं अधिक लोगों को जोड़ सकता हूँ, जैसे कि देखिए वर्तमान में आप एक से अधिक परिवारों का विलय नहीं कर सकते, अगर आपकी दो फैमिली आईडी है तो आप उनको जोड़ नहीं सकते, अगर एक बार बन गई, इसीलिए मैंने वहाँ पे बताया कि दो बन जाएंगे फिर आप उनको जोड़ नहीं पाएंगे, आपका अलग अलग दिखाएगा। क्या मैं वर्तमान मतलब एक परिवार से अधिक विभाजित कर सकता हूँ, वर्तमान में आप विभाजित नहीं कर सकते यानी हटा नहीं सकते। यदि मैं राशन कार्ड के परिवर्तन करना चाहता हूँ तो क्या होगा, राशन कार्ड में किए गए परिवर्तन फैमिली आईडी के विवरण को स्वतः अध्ययन करेंगे। अगर आप राशन कार्ड में अपडेट करवा लेते हैं, जुड़वा लेते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे जुड़ जाएगा। देखिए पॉइंट नंबर 5 में क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह जो पॉइंट्स थे फैक्ट्स मैंने उससे बता दिए, और भी जो पॉइंट्स हैं आपकी क्वेरीज हैं तो उसको भी देखते हैं। जैसे कि इसका पीडीएफ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डायरेक्ट आप वहाँ से देख सकते हैं आ सकते हैं। जैसे कि फैमिली आईडी क्या है, फैमिली आईडी प्रत्येक परिवार के 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान है जिसमें परिवार के सदस्यों का विवरण होता है। फैमिली आईडी की आवश्यकता क्यों है,
फैमिली आईडी के डेटाबेस योजनाओं को पात्रता निर्धनतम करने तथा वंचित पात्र लाभार्थियों को यहाँ पे लाभ देने के लिए और एक सटीक डेटा बनाने के लिए डेटाबेस पूरा क्लियर करने के लिए फैमिली आईडी की आवश्यकता है। नीचे आते हैं, क्या फैमिली आईडी अनिवार्य है? नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपकी फैमिली आईडी होनी चाहिए, देखो अनिवार्य यहाँ पे नहीं है। फैमिली आईडी एक स्वैच्छिक सेवा है, केवल एक वे परिवार जो उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करें, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पंजीकरण करने की सोचता है। यानी आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप फैमिली आईडी बनवा लें। अगर मेरे पास पहले से राशन कार्ड है तो फैमिली आईडी कैसे प्राप्त करें? यदि आप राशन कार्ड धारक हैं तो आपका राशन कार्ड ही फैमिली आईडी होगा। आप अपनी फैमिली आईडी का पंजीकरण आधार प्रमाणीकृत के बाद चेक कर सकते हैं, यानी कि आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पोर्टल से, ठीक है, फैमिली आईडी। उसके बाद अगर मेरे पास राशन कार्ड नहीं है तो फैमिली आईडी कैसे बनवाएं? यदि आप राशन कार्ड धारक नहीं है तो आपको पंजीकरण करने के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद भौतिक सत्यापन, यदि मैं एक एकल सदस्य हूं तो क्या मैं फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकता हूं? हाँ, आप फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी एक व्यक्ति हो, अकेले हो परिवार में, तो आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अपना परिवार बना सकते हो। यदि मैं निराश्रित हूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, सिंपल है, आप कर सकते हो। और भी जैसे आवेदन की प्रक्रिया मैंने बता दिया कि वहाँ ग्रीन कलर के बॉक्स में रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नया अगर जोड़ा है, यानी नया परिवार है, कभी भी राशन कार्ड नहीं बना था, तो आप आसानी से आधार ओटीपी के माध्यम से कर पाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है। क्या मुझे दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत है? कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं लगेगा, यानी अपलोड करने की जरूरत नहीं, केवल आधार ओटीपी के माध्यम से हो जाएगा। क्या मेरे द्वारा अपने परिवार में जोड़े जा सकने वाले सदस्यों के अधिकतम कोई सीमा संख्या है? नहीं, आप किसी परिवार में जितने लोग हैं आप उनको जोड़ सकते हैं, बशर्ते किसी दूसरे परिवार में वो किसी राशन कार्ड में जुड़े ना हो, या किसी के साथ इधर उधर जैसे शादी हो जाती है तो क्या होता है कि अलग अलग हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी कहीं पर भी जुड़ा होगा तो वो आप हटा नहीं सकते उसको, ठीक है। उसके बाद क्या मैं अपने दस्तावेज रक्षित कर सकता हूं और बाद में जमा कर सकता हूं? हां, आप ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं, उसके बाद लॉग इन करके फिर से आप वहां पर सेव कर सकते हैं। अगर मेरा आवेदन खारिज हो जाता है तो क्या मैं दोबारा से आवेदन कर सकता हूँ? हाँ, अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो आप दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। इसमें साफ साफ क्लियर किया गया। आवेदन प्रक्रिया में कोई संदेह उत्पन्न होने पर मुझे क्या करना चाहिए? आवेदन प्रक्रिया में संदेह उत्पन्न होने पर पोर्टल पर दिए गए निर्देश ठीक से पढ़ें, उसके बाद ही आवेदन करें। इस पीडीएफ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास किया है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।